जैवीम के आग जो सीने में जली थी ठंडा उसे ना होने दिया, जलिया वाले बाग कांड ने चैन से उसे ना सोने दिया, और जिस डायर ने मेरे भारतवासी मारे अपनी गोली से, के जैसे जनरल डायर ने हमारे भारतवासी मारे अपनी गोली से, उस डायर को लंदन जाकर उद्धम सिंह ने मौत के घाट उतार दिया, उद्धम सिंह ने मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ साथियों, आज 26 दिसंबर, आज ही के दिन सन 1899 में पंजाब के संगरूर जिले में एक छोटे से गांव में एक वीर क्रांतिकारी शहीद योद्धा ने जन्म लिया, जिस योद्धा का नाम सरदार उद्धम सिंह। जी हां साथियों, सरदार उद्धम सिंह ने बहुत कम उम्र में, बहुत छोटे से उम्र में सर से माँ बाप का साया उठ जाने के बाद पंजाब के अनाथालय में अपना जीवन यापन किया, और उसी अनाथालय से उन्हें उद्धम सिंह नाम प्राप्त हुआ, उन्हें उद्धम सिंह नाम की उपलब्धि उन्हें मिली। साथियों, मैं आपको एक किस्से से रूबरू कराना चाहता हूं, बड़े ध्यान से इस किस्से को सुनिएगा कि एक छोटे से संगरूर जिले के उद्धम सिंह को वीर शहीद उद्धम सिंह किस किस्से ने बनाया, वो किस्सा मैं आप सभी के सामने पेश करना चाह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा ये किस्सा। कि जब जलियांवाला बाग के अंदर एक सभा चल रही थी, और जलियांवाला बाग वीर क्रांतिकारियों से, हमारे देशवासियों से खचाखच भरा हुआ था, अंग्रेजों को खबर पड़ गई, उन डायर गद्दारों को खबर पड़ गई, उनके सैनिकों को खबर पड़ गई, और हमारे भारतवासियों को जलियांवाले बाग के चारों तरफ से घेर लिया गया। वो ग्राउंड जो खचाखच भरा हुआ था, उसमें छोटे बच्चे, नौजवान, माताएं, बहनें और देश के वीर क्रांतिकारी तमाम लोग वहां इकट्ठा थे। उन तमाम लोगों को डायर की सेना ने घेर लिया, और जितने भी गेट थे, तमाम गेट पर बड़े बड़े टैंक बारूदों के गोले लगा दिए गए ताकि हमारे भारतवासी उससे बाहर ना निकल सके। और कुछ देर बाद बिना चेतावनी दिए डायर की सेना ने अंदर एंट्री करी, और अंदर एंट्री करने के बाद लगातार 18 मिनट फायरिंग करनी शुरू कर दी। साथियों, वो दर्दनाक घटना, वो छोटा सा बच्चा उधम सिंह वहां देख रहा था, वो देख रहा था कि लगातार 18 मिनट की फायरिंग में भगदड़ मच गई, और ऐसी भगदड़ मची साथियों कि कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए जलियांवाले बाग के अंदर एक कुआं था, उस कुएं के अंदर कूदने से मर गए। बड़ी दयनीय घटना, कुछ लोग दीवार फांदकर अपनी जान बचाना चाहते थे, दीवार का कूदने से गिर गए, क्योंकि जलियांवाले बाग की जो दीवार थी वो बहुत ऊंची थी। कुछ लोग उस भगदड़ में मर गए। लगातार 18 मिनट चली उस फायरिंग में हमारे तमाम भारतवासी मरे, उन तमाम भारतवासी, वो तमाम भारतवासी शहीद हुए। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि किसी भी चीज को करने के लिए एक जोश, एक हिम्मत और एक लक्ष्य होना चाहिए। उसी बीच उस बच्चे ने, जो तमाम भारतवासी मरे, जो शहीद हुए, उस बच्चे ने उन तमाम लोगों को जो खून से लथपथ थे, गोलियों से लथपथ थे, जो लोग कूदने से, गिरने से मर गए, धीरे धीरे सबके साथ मिलकर उन लोगों को साइड किया, उन लोगों को बाहर निकाला। वो बच्चा अपने मन में एक ही सवाल लिए वहां से आगे बढ़ रहा था कि मैं कब अपने देशवासियों की मौत का बदला लूंगा, कि मैं कब अपने देशवासियों की शहीदगी का बदला लूंगा। और एक दिन ऐसा आया साथियों, एक दिन ऐसा आया, लंदन का कैस्टन हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अंदर एक सभा चल रही थी, और उस सभा के अंदर बहुत सारे भारतवासी भी बैठे हुए थे। उन भारतवासियों में काला कोट और कैप पहनकर एक व्यक्ति बैठा हुआ, जिसने हाथ में किताब ले रखी थी। वो किताब एक खास मकसद के लिए वाली गई थी। उस किताब के अंदर पिस्टल बंदूक के नाप की, उस किताब को काटा गया था, उसका डिजाइन बनाया गया था, आकार बनाया गया था, ताकि उसके अंदर वो बंदूक फिट करी जा सके, जिससे भारतवासियों की मौत का बदला लिया जा सके। घटना, जिस घटना ने एक छोटे से जिले के उद्धम सिंह को सरदार वीर उद्धम सिंह बनाया, क्रांतिकारी बनाया, जब लंदन का कैस्टन हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था, बारी आई कि उसी जनरल डायर की, जिसने हमारे भारतवासियों के ऊपर बेधड़क, बिना किसी चेतावनी के गोलीबारी कर दी, बारूद मारे, और हमारे तमाम माता, बहनें और वीर सिपाहियों को मार गिराया। जब वो भाषण देने खड़ा हुआ, तो वही उद्धम सिंह जो काला कोट पहनकर वहां बैठा हुआ था, उस उद्धम सिंह ने निकाल कर उस किताब में से, जो किताब वहां खास मकसद के लिए लाई गई थी, मैंने आपको बताया, उस किताब में से बंदूक निकाल कर जनरल डायर के सीने पर गोली मारकर अपने भारतवासियों की मौत का बदला लिया। साथियों, आज उसी महान क्रांतिकारी की जयंती, तो आज वीर उद्धम सिंह की जयंती पर उन्हें हमारा कोटि कोटि नमन।
वो हमारी यादों में और उनके क्रांतिकारी विचार हमारी यादों में हमेशा अमर रहेंगे।